इंदौर में अच्छी बारिश के लिए मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने दुआएं मांगी। साथ ही हज यात्रियों का एक जत्था परवरदिगार के दीदार के लिए रवाना हुआ, जहां शहर में अच्छी बारिश के लिए मक्का में भी दुआएं मांगी जाएंगी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में बादलों की बेरुखी से एक बार फिर पानी की कमी सी हो गई है और बादलों ने अपना रुख और कहीं का कर लिया है, लेकिन इस बेरुखी को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज की छात्राओं ने दुआ पढ़ी। वहीं गुरुवार को एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जहां नमाज के बाद इंदौर के आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। लोग जो हैं वो मस्जिदों के अंदर कितनी मुश्किल से काम करते हैं, उनके कंधे पे, उनके दिमाग पे, उनके सर पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, लेकिन उनको कभी सदर से, कभी किसी साहब से तकलीफ होती है, तो एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद रवाना करते रहते हैं। वो तालीम है, उनके काम वो सब अधूरे, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि एक से काबिल बेशुमार हमारे हजरा। मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़े लायक एतबार हमारे पार्षद साहब हैं, अल्लाह इनकी मेहनत को, इनकी आरज़ू को हज़रत अल्लामा मौला और बारगाह मुस्तफ़ा का क्या कहना, खाने काबा का क्या कहना, यकीनन हज। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर प्रकृति का आशीर्वाद, क्योंकि एक ओर जहां मस्जिदों में बारिश के लिए दुआओं का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पवित्र श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़िए लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।